साथियों, बात राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। प्रयास हमारा यह है कि हम कुछ ऐसे रहस्य आप लोगों के समक्ष उजागर करें जो कि आपको जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हो। यदि आपके आसपास कोई कुंभ राशि का जातक है तो उसको आप बेहतर ढंग से समझ सकें, और कई बार तो हम स्वयं अपने आप को भी बेहतर ढंग से नहीं समझ पाते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, इस श्रृंखला में हमने ये पूरा प्रयास किया है कि हम प्रत्येक राशि के बारे में कुछ ऐसी परतों को उधेड़ने का, कुछ ऐसे रहस्यों के उद्घाटन करने का कार्य कर रहे हैं जो प्रायः हमें जानने को नहीं मिल पाता है, और वो जीवन जीने में हमारे कहीं ना कहीं रुकावट जरूर पैदा करता है। और यदि आप अपने राशि से संबंधित या अपनों की किसी राशि से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो यहाँ इस श्रृंखला का हम आई बटन में आपको लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उसको विस्तार से देख सकें। साथियों, इस पर हम आगे चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं हमारे ही सम्मानित दर्शकों के YouTube कमेंट के माध्यम से। तो साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और उसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए, और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न जो कि बेहद ही आसान है, आपको पूछा जाएगा इसी एपिसोड के अंत में, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों, बात करते हैं कुंभ राशि की, और यहां पर हम ये बतलाते चलें कि ये जो राशि है ये आपकी नाम राशि नहीं है, बल्कि आपकी जो जन्म राशि है, जिस अंक के साथ में आपके चंद्रमा विराजमान है वो होती है आपकी राशि। तो उसी राशि के अकॉर्डिंग हम यहां चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि कुंभ राशि का जो स्वामी है वो है शनिदेव, न्यायाधीश शनिदेव, और शनिदेव के कई सारे गुण कुंभ राशि में भी है, जैसे कि बड़ा ही धीमे धीमे कार्य करना, बड़ा ही इत्मीनान से कार्य करना, बिल्कुल खरा करना परंतु इत्मीनान के साथ में कार्य करना। सबसे पहली विशेषता, सबसे पहला जो राज है कुंभ राशि का वो ये है कि ये व्यक्ति अर्थात इनके आसपास जो लोग हैं, इनके मित्र, रिश्तेदार, परिवार वाले, ऑफिस वाले, जो भी हैं तमाम लोग, उनके जीवन रक्षक की भूमिका निभाते हैं। कई बार उनके जीवन में एक मसीहा बन करके ये आते हैं, खास तौर पर ऐसे लोग जो वंचित हैं, जिनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं होता, वहां पर कुंभ राशि का व्यक्ति आपके लिए खड़ा जरूर मिलेगा। बड़ा अच्छा ही और सकारात्मक ये है बात। साथियों, दूसरी इनकी जो व्यक्तित्व का एक ऐसा हिस्सा है कि ये बातचीत बहुत कम करते हैं, जहां जरूरत होती है वहीं बोलते हैं। इनका प्रयास ये रहता है कि कम से कम बोला जाए, परंतु ये जब भी बोलते हैं, जब भी संवाद करते हैं, प्रभावी संवाद करते हैं। तीसरी जो परत है रहस्य की वो ये है कि इनकी एक तीव्रतम इच्छा होती है अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार करने की, और ये उसका मौका कभी भी जाने नहीं देते। इनकी ये तीव्र इच्छा होती है कि इनके आसपास जो हैं वो इनके विचारों से न केवल सहमत हो, बल्कि उसमें सहमति और हाँ में हाँ के साथ ही उनकी विचारधारा को इनके रंग में रंग लिया जाए, यही इनका प्रयास रहता है। साथियों, चौथा जो राज है वो है इनके व्यक्तित्व में जबरदस्त प्रैक्टिकलिटी होती है। हम यदि कहें कि ये मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल ही सुलझा हुआ इनका व्यक्तित्व होता है। कभी भी ये डिसीजन इमोशंस में बह करके नहीं लेते, पूरा उसको देखते हैं, उसको पूरा तरीके से विश्लेषित करते हैं और प्रैक्टिकल ढंग से ये डिसीजन लेते हैं, और ख़ास तौर पर यही कारण है कि ये जीवन में बहुत ही कम मौके ऐसे आते हैं कि ये किसी से धोखा खाएं। साथियों, पांचवी बात यह भी बड़ी सकारात्मक और अच्छी बात है इनके बारे में, कुंभ राशि के बारे में, कि ये बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। इनको यदि कोई बात जतानी भी है तो ये अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कार्य करके दिखाएंगे। साथियों, छठी बात कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, कई कार्यों में इनको महारत हासिल होती है, और ये इनके करियर के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैरियर या अवरोध का कार्य करती है, क्योंकि जब ये किशोर अवस्था के बाद में
किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां से पास आउट होते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि मैं तो ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, अरे मैं तो इसमें भी बहुत अच्छा हूं। फिर असमंजस की स्थिति आती है कि आखिर मैं करियर के रूप में अपनाऊं तो अपनाऊं किस फील्ड को। साथियों, सातवां जो विचार है, सातवीं जो इनकी रहस्य की बात है, वो ये है कि ये बड़े ही स्वतंत्र नहीं बल्कि उससे भी कई कदम आगे चल करके स्वच्छंद विचारधारा के धनी होते हैं। कई बार ये कोई ऐसी बात कह देंगे, ऐसे विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे जिसको कि समाज सहर्ष ही स्वीकार नहीं करता, सहज ढंग से स्वीकार नहीं करता, परंतु इनके अंदर ये मादा होता है कि ये बात प्रखर ढंग से किसी भी मंच पर कह सके। साथियों, आठवां राज है कि ये कंजूस होते हैं, एक एक पैसा ये सोच समझ करके खर्च करते हैं। ये बात अलग है कि ये कभी जताते नहीं कि मैं कंजूस हूं, बल्कि उल्टा ये ऐसा जताएंगे कि मैं बड़ा ही खर्चीला व्यक्ति हूं। साथियों, नौवां, जैसे कि पहले भी हमने चर्चा की, इनकी व्यक्तित्व का हिस्सा होता है कि ये धीरे धीरे कार्य करते हैं और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। तो हर कार्य की अपनी एक समय सीमा होती है, एक निर्धारित समय होता है, उसी समय पर उसमें फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुंभ राशि की ये बड़ी विशेषता है। दसवीं विशेषता है कि कुंभ राशि का जो जातक है वो लाइमलाइट में रहना पसंद करता है, उसको पसंद है ये बात कि उसके बारे में बातचीत की जाए, अपने ऑफिस में, घर में, रिश्तेदारों में, अखबारों में, उसको चर्चा में बने रहना पसंद होता है और इसके लिए वो कई बार ऐसे कार्य करता है कि जिससे वो चर्चा में बना रहे। तो साथियों, अंतिम राशि के बारे में भी हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, आप इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखिए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है ऋचा शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है हजारीबाग झारखंड से, और आपने पूछा है कि 2020 से आपके दाम्पत्य में खटपट चल रही है, तो आखिर ये कब तक ठीक होगी। देखिए, आपकी कुंडली देख करके और आपकी स्थिति, आपका प्रश्न देख करके मैं बिल्कुल पुख्ता तौर पर यह कह सकता हूं कि आपने बिना कुंडली मिलाए या ठीक ढंग से कुंडली ना मिला करके विवाह संपन्न किया है। सप्तमेश आपका अस्त है, जबकि व्यक्ति का सप्तमेश अस्त हो उसको बहुत ढंग से, गहराई से, वैदिक रीति से एक एक भाव मिला करके, एक एक ग्रह मिला करके कुंडली मिलान करनी चाहिए। यह गलती आप कर बैठे हैं। खैर, समस्या है तो समाधान भी है, जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी, और इसका माध्यम हम आपके लिए बनते हैं। आपको गौ माता को हरा चारा नियमित रूप से आप समर्पित करें, करते रहें नियमित रूप से, चमत्कार आपके जीवन में घटित होगा। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।